हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर पूजा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निट की कुर्ती पर बहुत ही प्यारी सी डिजाइन, जिसको आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं। ये डिजाइन ब्लाउज में भी बहुत ही प्यारी लगती है। कुर्ती बनाने के लिए निट के फैब्रिक को मैंने 2 मीटर और अस्तर के फैब्रिक को मैंने 1.5 मीटर लिया है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए अस्तर के फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर की नाप 7 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि हम बॉटनिंग बना रहे हैं। आर्म होल्स की नाप 6.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लगा लेंगे। कुर्ती की लंबाई 42 इंच है, प्लस 2 इंच फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक से 1/2 इंच छोड़ते हुए निट के फैब्रिक को कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। आकार देंगे इस प्रकार से। हम स्लीव का आकार देंगे। स्लीव की मोहरी की नाप लगा लेंगे। दोनों मार्कों को मिला देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को इस प्रकार से अंदर साइड फोल्ड करेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम पट्टी को नेक पर इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से हमें स्टिचिंग कर लेनी है।
हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम पट्टी पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारे मेन फैब्रिक पर निक तैयार हो चुके हैं। अब हम अस्तर के निक को तैयार करेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए निक पर इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रखते हुए हम स्टिचिंग करेंगे। मैं स्टिचिंग कर हम नीचे साइड स्टिचिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अस्तर ज्वाइंट नहीं करना है। देखिए अस्तर ज्वाइंट हो चुका है। अब साइड साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्टों के शोल्डर को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम स्लीव कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव की मोरी को इस प्रकार से डबल राउंड में फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए स्टिचिंग हो चुकी है।